उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज आचार्य पद का पीला रंग हमने स्वीकार किया है। आज हमारा आंबिल की होली का तीसरा दिन है। अरिहंत और सिद्ध को हमने अपनी शक्ति के अनुसार देखा है, स्वीकारा है और उसका आचरण जितना हो सके उतना किया है। आज पीला रंग हमें कहने आया है। पीला रंग जो है वो उत्साहवर्धक होता है, मानसिक कमजोरियों को दूर करने वाला होता है। पीला रंग हमारे मारवाड़ियों में तो लाल पीला बहुत ही चलता है। लाल और पीला शिवाय मजाच नहीं मारवाड़िया ने। लाल एंड पीला कलर, आज देखो कितना पीला कलर हमारे बहनों के हर एक घर में होती है। पीले रंग की साड़ी और लाल रंग की साड़ी होती है, तो इस तरह से आज हमारा पीला रंग सुशोभित हो रहा है सभा के अंदर। और ये खास करके ज्ञान के तंतुओं को स्फूर्ति देता है, सक्रिय करता है। ज्ञान के तंतुओं को सक्रिय करने वाला प्रिया पीला रंग होता है। और इसका कलर, इसका स्थान यहाँ विशुद्धि केंद्र, ये पीले रंग का स्थान है, यहाँ पे होता है। और ख़ास करके साक्षात्कार की शक्ति पीले रंग के अंदर भरी हुई होती है। अगर आप लोग, आपके घर में कोई नशा कर रहा है, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके आप ओम ह्रीम श्रीम नमो आर्याणम का जप करो तो सामने वाले की बुद्धि पलट जाती है। शराब पीता हो तो छोड़ देता है, गलत गली में जाता हो तो उसकी वो गलत गली बंद हो जाती है। अपने आप घर के व्यक्ति के व्यसन दूर करने हैं तो पश्चिम दिशा में मुंह करके नमो आर्याणम का जाप करो तो उसका फल पीले रंग का ध्यान करना, पीले रंग की माला फेरना, सब कुछ करना। इस तरह से ये अनुशासन और मर्यादा का प्रतीक है। इसके लिए देखो सभी की शादियों में हल्दी का कार्यक्रम होता ही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे गुजराती हो, वो पीले रंग की कुछ ना कुछ पीठी का काम पीला रंग करने लगाने के लिए करते ही है। पीला रंग शादियों में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है भगवानों। इस तरह से पीले रंग की अपनी एक विशेषता है और इसका उपयोग सभी समाज के लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। भगवानों, आज हमारे आचार्य के कितने गुण हैं? आज सबसे बड़ी साधना है 36 लोगों का ध्यान है और 36 वंदना करनी है। तो आचार्य के 36 गुण कौन से हैं? पहली बात तो 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत। फिर 5 आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इस तरह से 5 इंद्रियों पर कंट्रोल करना। उसके बाद 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका इस पर भी कंट्रोल करना। 9 शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना। 5 समिति और 3 गुप्ति का पालन करना। इस तरह से 36 गुण हमारे आचार्य के बताए हुए हैं। हमारे आचार्य भगवान इन 36 गुणों का पालन करते हैं, इसके लिए वे वंदनीय पूजनीय होते हैं। और जहाँ भी जाओ उनको बड़प्पन अपने आप मिलता है, क्योंकि इतने गुणों के भंडार वे होते हैं। इसके लिए कहा गया है आदरी संयम गुण है 36 धरम मारत करम क्रोध सुमति विचारे शुद्ध सो आचार वंत सुंदर है रूप कंद भरा है सभी सिद्धांत वाचना सुप्यारी अधिक मधुर वेण कोई नहीं रोपे के सकल जीवों का से किरत पारी कहे तत्ती लो करी कही तकारी देते सीख ऐसे आचार्य जी को वंदना हमारी प्रभु ऐसे आचार्य जी को वंदना हमारी है। हमारा पीला कलर
ये कंट्रोल करने वाला कलर है। जब तक लड़का और लड़की कवारी होती है तब तक उनके लिए 100 वर और 100 घर खुले होते हैं। कहीं भी जाकर उनके लिए देखते हैं, किंतु जब उसका नक्की हो जाता है उसके बाद 100 घर और 100 वर सारे माइनस हो जाते हैं, एक ही वर और एक ही घर उसके लिए पक्का हो जाता है। ये पीले कलर की ताकत है, एक ही घर एक ही वर के साथ अपनी ज़िंदगी निकालना, ये पीले कलर की ताकत है। भगवानों, हमारी बहनों ने इस तरह का व्रत निभाया है, आज तक निभ के बताया है। जो खानदानी लड़कियाँ होती है एक बार जहाँ भेज दिया वहीं निभ के बताती है, वहाँ से पलायन नहीं करती, वहाँ से भाग के नहीं जाती, वहाँ से अपने पियर आके नहीं बैठ जाती। आजकल लड़कियों को कमाना आ गया है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वो कहते ज़रूरत नहीं है, ऐसे लड़के की ज़रूरत नहीं है जो मुझ पर रुबाब करे और मैं तो अपनी अकेली रहूँगी। आजकल बहुत सारी लड़कियाँ शादी नहीं करने का संकल्प करती है, कमाना आता है उनको, स्वतंत्र रहना आता है और वे शादी करने का भी विचार भी छोड़ देती है। मैंने किरोत बंधन चाहिए नहीं, मारा लारे किरोत लफड़ो चाहिए नहीं, ने मारी एकटी रेवड़ा। इस तरह से लड़कियां शादी नहीं करने का संकल्प कर रही है। बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई है, 34-34 साल की लड़कियां हो गई है, पर कहती है हमको शादी करना नहीं है। भगवानों, इस तरह से आचार्य का गुण पीला कलर का लेकर के आता है। वो कहता है मर्यादा में रहो, मर्यादा का पालन करो, एक घर और एक वर को साथ लेकर के चलो। इस तरह से आचार्य की शक्ति लड़का और लड़की के साथ जब जुड़ जाती है तो उसका एक और एक दो नहीं होते, एक और 11 हो जाते, 11 गुनी शक्ति उसकी बढ़ जाती है, उसके अंदर पावर आ जाती है।